आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आरएस धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 38(6) के अंतर्गत शुद्धिकरण, यानी कि कोई भी त्रुटि है तो उसको शुद्ध किया जाएगा इस धारा के अंतर्गत। और वो राजस्व अभिलेख कौन कौन होंगे? आधार अभिलेख यानी कि खतौनी और खसरा, मात्र दो ही अभिलेखों में धारा 38(6) के अंतर्गत दुरुस्ती की जाती है। और इसमें सुधार का अधिकार किसको प्राप्त है? कानूनगो आरआई राजस्व निरीक्षक। साथियों कानूनगो आरआई राजस्व निरीक्षक एक ही पदाधिकारी के नाम होते हैं। अब इसमें किस प्रकार की त्रुटियों को शुद्ध किया जाता है? जैसे कोई त्रुटि, नाम में कोई त्रुटि हो गई हो, या पिता के नाम में कोई त्रुटि हो गई हो, या ग्राम में कोई त्रुटि हो गई हो, या गाटा में कोई त्रुटि हो गई हो, गाटा गलत लिख गया हो, या रकबे में कम ज़्यादा हो गया हो, इस प्रकार की त्रुटि, और यदि कोई लोप है, कोई चीज़ छूट गई है, तो उसको भी दर्ज करने का, शुद्ध करने का अधिकार है। यदि कोई फर्जी एंट्री हो गई है, किसी का फर्जी नाम दर्ज हो गया आपके नाम के साथ, तो उसको सही कर देगा। यदि कोई छल से यानी कि गलत तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया है, तो उसका भी उनकी प्रविष्टि भी शुद्धि हो जाएगी। अब राजस्व अभिलेख कौन कौन से होते हैं? अधिकार अभिलेख जिसे हम खतौनी कहते हैं, और खसरा। अब देखते हैं कि अधिकार अभिलेख 6 वर्ष के लिए बनाया जाता है, यानी खतौनी 6 वर्ष के लिए तैयार की जाती है। 6 वर्ष के बाद पुनः दूसरी खतौनी तैयार की जाती है। और जो खसरा है ये प्रत्येक वर्ष में बदलता है, खसरा एक ही साल के लिए बनता है। अब देखते हैं अभिलेख की स्थिति, अभिलेख की स्थिति क्या होती है। जैसे कि ये खतौनी है आपकी 1400 से 1400 पाँच फसली, 1400 से 1406 से 1411 फसली, 1412 से 1417 फसली, 1418 से 1423 फसली, 1424 से 1429 फसली। अब इसमें हम देखते हैं ये फसली जो हमारी वर्तमान है, जो इस समय खतौनी चल रही है, तो इसको हम वर्तमान खतौनी कहते हैं। इसके पहले वाली जो खतौनी, उसको हम पिछली खतौनी कहेंगे, और जो उसके पहले की खतौनियां हैं उसको हम पुरानी खतौनी कहेंगे। अब साथियों इसमें यह होता है, वर्तमान खतौनी आपके आरआई लेखपाल के पास होती है, पिछली खतौनी तहसील के अभिलेखागार में संचित होती है, और जो पुरानी खतौनी है, ये जो पुरानी खतौनी है, ये खतौनी कलेक्टर राजस्व लेख में संरक्षित होती हैं। और जो ये खसरा है, आपका जो खसरा है, खसरा ये तहसील ही में रहता है। अब जो वर्तमान खसरा, उसको वर्तमान खसरा कहते हैं, इसके पहले के खसरे को पिछला खसरा कहते हैं, और जो उससे पुराने खसरे हैं, उससे पहले के खसरे हैं, उनको पुरानी खसरा कहते हैं। अब साथियों हम देखते हैं इसमें आरआई को सुधार करने का किन अभिलेखों में अधिकार है। जैसे कि मान लिया पिछली खतौनी में आपका नाम सही था, पिछली खतौनी में आपका नाम मान लिया राम था, और जब खतौनी बदली, वर्तमान खतौनी बनी, तो उसमें श्याम हो गया। या मान लिया गाटा में कोई गलती है, पिछली खतौनी सही थी, वर्तमान खतौनी जब बनी तो गाटा में कोई गलती हो गई है, तो इस प्रकार की गलती को राजस्व निरीक्षक कानून को या आरआई कह लीजिए, शुद्ध करने का अधिकारी होगा। साथियों जो खसरा है, इसको लेखपाल सही कर देगा बिना किसी अनुमति के, ये उसको अधिकार है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार की त्रुटियों की और किन अभिलेखों में राजस्व निरीक्षक आरआई को धारा 38(6) के अंतर्गत शुद्ध करने का अधिकार है। इसके लिए अब साथियों हम देखते हैं कि नाबालिग से बालिग, यदि
किसी को नाबालिग की अवस्था में भूमि प्राप्त हुई है, वरासतन या बैनामे से किसी प्रकार से प्राप्त हुई है और उसकी खतौनी में नाबालिग दर्ज है। उसके बाद जब वो बालिग हो गया तो बालिग कराने के लिए भी यही प्रक्रिया है, धारा 38(6) के अंतर्गत उसको बालिग किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं साथियों आवेदन, आवेदन कैसे लिखा जाएगा इसके लिए। सेवा में श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय, क्षेत्र का नाम, जिस क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक महोदय हैं उस क्षेत्र का नाम, तहसील का नाम और जिला का नाम। महोदय निवेदन है कि प्रार्थी का नाम, यहाँ प्रार्थी का नाम लिख दिया जाएगा, उसके पिता का नाम, उसका पता और उसका ग्राम का मजरा क्या है। उसके बाद परगना, फिर तहसील का नाम, फिर जिला, फिर अभिलेख जो सही हैं वो अभिलेख और जो अभिलेख गलत हैं वो अभिलेख, उनके नाम लिखे जाएंगे और ये लिखा जाएगा कि मैं सही कराना चाहता हूँ, अतः सही करने की कृपा करें। उसके नीचे दिनांक लिख दिया जाएगा, प्रार्थी के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर लिख दिए जाएंगे और इस आवेदन के साथ में सही अभिलेख की सत्यापित प्रति और गलत अभिलेख की सत्यापित प्रति और आधार कार्ड संलग्न होगा। ये संलग्न करने के बाद हम राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो को आवेदन देंगे, आवेदन वो प्राप्त करेगा। प्राप्त करने के बाद एक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 38(6) के अंतर्गत त्रुटि शुद्धि पत्र आता है, जिसमें कालम नंबर एक में, जो कालम नंबर एक है उसमें क्रम संख्या लिखी होती है, कालम नंबर दो में खाता की खतौनी की क्रम संख्या लिखी जाती है और उसके बाद लेखपाल द्वारा आख्या दी जाती है गलत और सही की, और उसके बाद कालम नंबर चार में कानूनगो यानी आरआई द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। रिपोर्ट प्रेषित करने के बाद तहसील में रजिस्ट्रार कानूनगो को दे दी जाती है और वो खतौनी में उसकी एंट्री करा देता है। तो साथियों आज हमने देखा और समझा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 38 में किन प्रकार की त्रुटियों, लोपों और छल साधित प्रविष्टि की शुद्धि की जाती है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे हमारी बात को कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा में शुद्धि कैसे की जाती है और कौन करता है और किस प्रकार से होती है। तो साथियों आज हमारे चैनल को, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कृपया, और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।